आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। चंडीगढ़ में बीजेपी के मेयर बनने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उधर पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस के 7 और बीजेपी के 16 वोट थे, लेकिन बीजेपी ने धांधली करके मेयर का चुनाव जीता। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज का ये दिन लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय का दिन है। भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका ये पुराना रिवाज है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा ही किया था, गोवा और कर्नाटक में भी वो ऐसा ही कर चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही महीना है जिस महीने में हमने गणतंत्र दिवस मनाया, और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या 30 जनवरी को की गई, जिस दिन हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री मान ने आरोप लगाया कि इस वीडियो में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तखत करने के साथ ही साथ अलग से निशान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस पर्ची पर निशान लगाया गया उसे बाद में रद्द घोषित करके गलत तरीके से विजेता घोषित किया गया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।